वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल गेट्स से प्यार करती थी और वो मुझसे भी प्यार करते थे। जुराबे भी उतारूंगी, उसके शूज भी साफ करूंगी, उसके पाँव भी धोऊंगी, सब करूंगी। अच्छा। शादी मुझसे करे बस। तो आप फिर से ये सुन सकते हैं बिल गेट्स साहब, आई लव यू, आई मिस यू, मैं आपका बहुत वेट कर रही हूँ, आप पाकिस्तान आ जाएं और प्लीज आप मुझसे शादी कर ले। आप जनाब उनके लिए तो जान भी हाजिर है। कई मंजियां टपणियां पईयां वे तेरे कोल आण लगियां। सैयद बासित अली की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे चैनल की वीडियो सबसे पहले और बरवक्त मिल सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद बासित अली। मेरे साथ मौजूद है सेरिश, जो कह रही है कि बिल गेट्स जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है उसको तलाक इनकी वजह से हुई है, क्योंकि वो इनसे प्यार करता था, मलिंडे से प्यार नहीं करता था। वो जानते हैं आप सैरिश से कि ये कितनी सदाकत है इसमें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल गेट्स से प्यार करती थी और वो मुझसे भी प्यार करते थे, लेकिन मैंने उनको बोला है कि आपने टेंशन नहीं लेनी, मैं हूँ नहीं, मैं आपके बच्चे संभालूंगी। लेकिन वो कहते हैं नहीं यार, मैं परेशान रहता हूँ, वो जो पहली मेरी वाइफ थी वो चली गई है। अब मैंने कहा है तुम टेंशन नहीं लो, मैं तुमसे शादी करूँगी, तुम्हारे बच्चे भी संभालूंगी। अगर तुम ये कहोगे ना, अगर तुम इस वजह से परेशान हो, मैं तुम्हारा खाना पीना सब बनाऊंगी, रोटी भी बनाऊंगी। अगर तुम ये कहोगे ना, मैं बर्तन भी लोगों के धो लूंगी। और दूसरी बात रही ये है कि बहन से भी चला लूंगी। अच्छा, आप ये कह रही हैं कि अगर बिल गेट्स की हालात ख़राब हो गए, मतलब आप उसके लिए खाना भी बना लेंगी, उसके लिए आप दूसरों के घरों में काम भी कर लेंगी, बकरियां भी चरा लेंगी। हाँ जी, मैंने ये बोला है, लेकिन उन्होंने बोला सैरिश कि मैं सोचूंगा, लेकिन मैंने उनको ये नहीं बोला। मैंने कहा है यार नहीं, अगर तुम मेरी वजह से परेशान होना, वो नहीं होना, तुम्हारे बच्चे भी मैं खुद संभालूंगी। बच्चे अगर उनके बच्चे आपसे भी बड़े हों तो भी संभाल लेंगी? फिर भी संभालूंगी, कोई टेंशन नहीं है, कोई बात नहीं। अगर उनकी माँ नहीं रही तो मैं तो हूँ ना। आप ही उनकी माँ हैं? हाँ जी, मैं उनकी माँ हूँ, उनको माँ वाली जगह दूंगी मैं। अच्छा। उनको बोला है कि टेंशन नहीं लेनी और परेशान भी नहीं होना। तो बिल गेट्स साहब, आप ये सुन रहे हैं, ये सैरिश यहाँ से बैठे कह रही है कि मुझसे शादी कर लें, मलिंडा को भूल जाएं, मलिंडा इस काबिल नहीं रही आपके। और नाज़रीन आप भी देखें कि मलिंडा की तलाक जो हुई है इनकी वजह से हुई है, क्योंकि बिल गेट्स इनसे प्यार करता था। वाह वाह। तो मुझे ये बताएं कि अब मलिंडा के लिए क्या पैगाम आपका? वो मैं यही चाहती हूँ, उन्होंने सबने ये बोला है कि नहीं यार सुलह कर लें। मैंने कहा है वो उसका माइंड है, वो जाने और उसका काम जाने, मैं ये कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि जब मैं उससे प्यार करती हूँ वो मुझसे प्यार करता है। और बेशक लड़की आए ना आए, वो सौतन भी बन जाए आपकी खैर है। नहीं ऐसा नहीं होगा, सॉरी, क्यों मैं उसको दूसरी बर्दाश्त नहीं कर सकती। दूसरी बात रही ये है, बच्चे भी मैं संभालूंगी। जब मैंने इतना कुछ कह दिया कि मैं उसके बच्चे भी संभालूंगी, उसको भी संभालूंगी, रोटी भी बना के दूंगी, सब कुछ करके दूंगी, उसको और क्या चाहिए? और कुछ नहीं चाहिए। दूसरी बात ये है, बालों पे तेल लगा के कंघी भी आप करेंगी? करूंगी इंशाल्लाह, क्यों नहीं करूंगी, बीवी वाला पूरा हक। जुराबे भी आप उतारेंगी? जुराबे भी उतारूंगी, उसके शूज भी साफ करूंगी, उसके पाँव भी धोऊंगी, सब करूंगी। अच्छा। शादी मुझसे करे बस। तो आप फिर से ये सुन सकते हैं बिल गेट्स साहब कि ये आपसे शादी करना चाहती हैं और ये कह रही हैं कि मुझे तुमसे प्यार है, तुम्हारे पैसे दौलत से, उसकी दौलत से तो नहीं प्यार? नहीं 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 नहीं, दौलत अल्लाह पाक ने देनी होती है, इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, अल्लाह पाक देता है, इंसान खाता है। लेकिन इनको ये पता होना चाहिए कि मैं इसे कितना प्यार करती हूँ, इसको पता होना चाहिए। दूसरी बात ये, इसके लिए कोई गाना गाओ जनाब, उनके लिए तो जान भी हाजिर है। ओए होए होए। कई मंजियां टपणियां पईयां वे तेरे कोल आण लगियां। ओए होए होए। मंजिए नहीं समंदर टपणे पैणगे। कोई गल नहीं, नो टेंशन, आप टप लांगे। अच्छा वैसे अगर तुम्हारी शादी हो जाती है, सुन लेते हैं, मुझे ना भूलना, ठीक है? ओके, नो टेंशन, टेंशन नहीं लेनी। थोड़े थोड़े सारे पैसे नोट इधर भी। ओके, टेंशन नहीं लेनी। अच्छा? पैसे बहुत। अच्छा पैसे बहुत। बिल गेट्स को भी कहना पैसे बहुत। अगर तेरी निकल तू, पहली फुर्सत में निकल। वो जब मुझे मिलेगा ना तो आप लोग को सब कुछ मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेनी। अच्छा। बस सिर्फ उसके मिलने की देर है मुझे। अच्छा। पैसों का कोई आना जाने की। पकड़ तेरे लिए मैं भी दुआ करना फिर। या अल्लाह सैरिश को, माइक इधर करो। या अल्लाह सैरिश को बिल गेट्स अता फरमा। या अल्लाह उसका पैसा सैरिश के ज़रिए मुझे अता फरमा। चलें जी, ये थी नाज़रीन सैरिश, जो कि बिल गेट्स से प्यार करती हैं, और मलिंडा जो इनकी सौतन कहती है मेरी सौतन में बर्दाश्त नहीं करूँगी, सही हुआ उसको तलाक हुई, तो अब कह रही हैं कि बिल गेट्स देख लो मेरी तरफ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे लिए, अगर तुम्हारे पास पैसे ख़त्म भी हो गए, लोगों के घरों में जाके काम करूँगी, मैं झाड़ू लगाऊंगी, मैं उसके अलावा और क्या क्या करेंगी?
उसके लिए उसके शूज भी साफ करूंगी, उसके पांव भी धोऊंगी, उसके अगर उसके पास पैसे खत्म हो जाते हैं, उसके लिए काम करूंगी, उसकी भैंसें चराऊंगी, सब कुछ करूंगी उसकी खातिर। वो बस मुझसे शादी कर ले, मुझे वो मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। इनको वो मिल जाए और इन्हें कुछ नहीं चाहिए, वो जिन्हों भी मिल जाए उन्हें और कुछ नहीं चाहिए होगा। अच्छा सरेश मुझे ये बताएं, अगर आपकी बिल गेट्स से शादी हो जाती है, आप उसके पास जाके रहेंगी या वो आपके पास आके पाकिस्तान रहेगा? नहीं, वो मेरे पास रहेगा, मैं बाहर जाके काम करूंगी, वो घर रहेगा, घर का सारा संभालेगा और मैं बाहर रहूंगी, बाहर का काम शाम करके घर लाऊंगी और वो शाम तक सारा काम शाम कर रखेगा। फिर जब मैं आऊंगी खाना वगैरह बनाऊंगी और उसको सुकून से खिलाऊंगी बिठाऊंगी, तब ऐसे ही करके ऐसे ही प्यार बढ़ेगा, ऐसे ही जिंदगी के मामला चलेंगे। ऐसा ऐसा ही प्यार बनता है ना, आपको पता भी है कि। अच्छा कच्चे कहाँ हैं आप उसको बुलाएंगी? हाँ जी उधर ही बिठाऊंगी। अमेरिका की एसी की वो एसी में रहता लग्जरियस जो उसकी गाड़ियां हैं वो सारी छोड़ के वो कच्चे कहाँ आएगा? हाँ जी वो मेरी, वो मैं उसकी खातिर जितना कुछ करती हूँ वो मेरी खातिर ये नहीं कर सकता। क्या बात है, वेरी गुड यार। करेगा ना किया तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, वो करेगा तुम्हारे लिए। वो कच्चे कहाँ आके रहेगा, वो तुम्हारे कट्टे भी नहलाएगा, वो तुम्हारी बकरियां भी नहलाएगा, तुम्हारी मुर्गियों को चेक करेगा कि इसमें अंडा है कि नहीं, वो हर चीज चेक करेगा, ये मेरा तुमसे प्रॉमिस है। तो अब मुझे ये बताओ कि आखिरी पैगाम बिल गेट्स को क्या देना चाहोगी? आई लव यू, आई मिस यू, मैं आपका बहुत वेट कर रही हूँ, आप पाकिस्तान आ जाएं और प्लीज़ आप मुझसे शादी कर ले, आपकी बराए मेहरबानी होगी, बराए मेहरबानी होगी आपकी के बख़िदमत जनाब प्रिंसिपल साहब इनसे शादी कर लेना। ओके, मैंने उसको रात को ख्वाब में देखा था और वो चिंची पे थे, उन्होंने मुझसे शादी करनी और वो बारात लेके आए हैं। चिंची रिक्शे पे आपसे शादी करनी? हाँ जी, वो मेरे साथ शादी करने के लिए आ रहे हैं ना। मैं जा रही हूँ। बिल गेट्स ये मुझे छोड़ के जा रहे हैं, प्लीज़ आप ना छोड़ना, प्लीज़ वो छोड़ के मुझे चले गए हैं, आपने मुझे नहीं छोड़ना। ओके अल्लाह हाफिज़।